हे गाइस, आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये वाला वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है। वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। और इस बार हमने बहुत अच्छी शॉपिंग करी है क्योंकि सीज़न अभी वेडिंग का आ गया है, तो हम सबको करना है थोड़ा थोड़ा मेकअप और लगना है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल। तो मैंने पूरा का पूरा क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब किट बोल सकते हैं या फिर अपने पसंद के हिसाब से मैंने पूरा का पूरा मेकअप का सामान ऑर्डर किया हुआ है। अराउंड 1000 रुपीज़ मेरे को पड़ा और इसमें लगभग 6 to 7 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, सारे ही बजट फ्रेंडली है। लेकिन बजट फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है गाइस कि मैंने क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ की है। बहुत ही अच्छे मैंने ब्रांडेड ही मंगवाए हुए हैं। हाँ, एक प्रोडक्ट है जिससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी, वो आप बाई मत करना। बाकी सारे प्रोडक्ट अमेजिंग हैं और बहुत ही अच्छी रिजल्ट है। और ये वीडियो जो है ना, मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद बना रही हूँ, इससे पहले मैंने सारे प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किया है और मैं आपको ऐसे ही बोले जा रही हूँ। तो आप बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ना कुछ इनमें से प्रोडक्ट तो आप खुद भी यूज़ कर रहे होंगे, तो आप भी देख लीजिए। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट है मैं आपके सामने एक के बाद एक रखते जा रही हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगी, हालाँकि मेरे को भी उतनी डिटेल नहीं आती है, बस जो अच्छा लगता है वो यूज़ कर लेती हूँ, जो अच्छा नहीं लगता वो यूज़ नहीं करती हूँ। और मेरे को भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं आता है, मैं थोड़ा बहुत काम चलाऊ मेकअप कर लेती हूँ ताकि कहीं पार्टी वार्टी में जाऊँ तो थोड़ा ठीक ठाक लगूँ। तो मेरा जो लुक है, मतलब मेरा जो स्किन कलर है वो थोड़ा फेयर भी नहीं बोल सकते और एकदम डार्क भी नहीं बोल सकते, मीडियम जो रहता है यार इंडियन स्किन टोन, बस वही मेरा है। तो ये देखिए, ये वाला जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्लॉसिल काजल है जो कि मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जो स्मच प्रूफ बोला तो जाता है बट ऐसा कुछ नहीं है। 24 आवर स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, कुछ कुछ लिखा रहता है बट ये स्मच प्रूफ नहीं है गाइज। मैंने इसको मतलब मिटाया था तो ये मिट जाता है इजीली, तो ये आप खुद ही देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। बट ये काजल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग लास्टिंग भी बोल सकते हैं, हाँ रहता तो है अच्छा खासा, अगर आप फेस वॉश करते हो तब ये चला जाता है। बट ये बहुत ही, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो ये अगर सेकंड टाइम मेरे को बाई करना हुआ तो मैं ज़रूर बाई करूँगी। अब जैसे मैंने प्राइस आपको बताया हुआ है, देखिए मार्केट प्राइस तो इसमें 199 लिखा हुआ है बट मेरे को ये डिस्काउंट के साथ शायद 150 कुछ पड़ा है। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी अगर आपको चाहिए होगा तो। नाउ सेकंड प्रोडक्ट हम देखते हैं, ये ब्लू हेवन का जो है मस्कारा है, जो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्यों परचेस किया, क्योंकि ये मस्कारा मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने इसको भी मैं बता रही हूँ ना, सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपको बता रही हूँ। अच्छा है, कलर वगैरह सब अच्छा है, लेकिन सूखने में इतना टाइम लेता है ये, मतलब मैं क्या बताऊँ। इसको लगाने के बाद ना आपको खुद 5 मिनट वेट करना पड़ेगा इसके सूखने का, और अगर आप गलती से आँख खोल लिए तो समझ सकते हैं फिर आपके मेकअप का क्या हाल होने वाला है। तो गाइस बस ये मस्कारा ही था जिससे मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ। बाकी तो ये आपका देखिए ब्लू हेवन का इंस्टेंट आईलाइनर है, ये अच्छा है पता है। और ये ना पानी से, मतलब मैंने इसको वाटर टेस्ट भी करके देखा तो ये पानी से भी नहीं निकलता है, तो ये वाला मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आईलाइनर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और देखिए कलर भी ना बिल्कुल डार्क ब्लैक है, एकदम ऐसा नहीं है कि ब्लैक भी थोड़ा मतलब वो है नहीं, वाटर प्रूफ है, लाइट वेट है, ठीक है। और वन स्ट्रोक फिनिश इसमें लिखा हुआ था बट 24 आवर स्टे, अब देखिए 24 आवर तो मैंने रखा भी नहीं है, 2 या 3 घंटे यूज़ करती हूँ, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ब्लू हेवन का जो आईलाइनर है। अब चलिए बात करते हैं इनसाइट का ये वाला पैलेट, जो कि मेरे ख्याल से ऐसा 90% लोग होंगे जिनके पास ये पैलेट होगा, और इसमें 1-2 पैलेट और आते हैं। ये भी आपका इतना अच्छा है, कलर कैरेक्टर बोल लीजिए, कंसीलर बोल लीजिए, हालांकि इससे कंटूरिंग तो नहीं हो सकती, हालांकि इसमें लिखा भी हुआ है कंटूर करके, बट मेरे को लग रहा है उसके लिए थोड़ा सा और डार्क शेड चाहिए था। अब इसके शेड देखिए बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है बट ये जो ऑरेंज वाला कलर करेक्टर है गाइज, इतना अच्छा है ना, मतलब मेरे थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का है बट बहुत ईजीली हाइड कर लेता है। आप यूज़ कैसे करना है कलर कैरेक्टर का वो तो आप किसी भी वीडियो में देख सकते हो। अब नाव ये है लैक्टोकैलोमाइन का मॉइस्चराइजिंग जेल, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इतना ज़्यादा ये फ्रेश फील कराता है और इतना ज़्यादा ये यूज़फुल है। मैंने इसको यूज़ किया है और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है बट स्किन पे मैंने, हाँ इसको मैंने फेस पे भी यूज़ किया हुआ है, और मेरे रफली जो मेरे हाथ थोड़ा ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, मतलब मेरे साथ क्या होता है ना, मेरा जो हाथ है ना वो थोड़ा बहुत भी मैं अगर पानी वानी या थोड़े बर्तन वर्तन साफ़ कर लूँ ना तो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करने से बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाता है। तो उस वजह से ये लैक्टोकैलोमाइन जो है ना, इसका मॉइस्चराइज़र मैं फेस के अलावा हाथ पर भी यूज़ करती हूँ, सॉरी गाइस। तो ये वाला देखिए प्राइमर है,
और ये जो है ना ब्लू हेवन का प्राइमर है, और बेसिकली ये प्राइमर इतना अच्छा है ना, ऑयल फ्री है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है यार, इतना अच्छा परफेक्ट बेस देता है ये। लॉन्ग स्टे मेकअप रहेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट वाकई में इसको लगाने के बाद ना आप अपने स्किन को इतना ज़्यादा मतलब सॉफ्ट फील करोगे और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है इसको लगाने के बाद में। तो ये प्राइमर तो मेरे को ब्लू हेवन का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप चाहो ना तो इस प्राइमर को भी बाई कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप देख सकते हो ये फिट मी का 230 फाउंडेशन है, 16 आवर ये जो है आपको ऑयल कंट्रोल देता है, बाकी SPF 22 है। बट गाइज मेरा जो शेड है ना वो 235 है, जो कि नहीं मिल रहा था तो मैंने इसको ऑर्डर किया। हालांकि इसको ना मैं चेंज कर सकती हूँ, जैसे अगर आपको आपका शेड नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा कंसीलर इसके साथ मिक्स कर लीजिए डार्क शेड का, तो ये 235 आप इसको बना सकते हैं। मतलब आप चाहें ना तो अपने हिसाब से इनके साथ कंसीलर मिक्स करके भी आप जो है ना इसको, क्योंकि देखिए कंसीलर से भी ना कई बार मेकअप हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो कंसीलर इसके साथ डार्क मिक्स करके मैं इसको यूज़ कर लूँगी, मेरा शेड तो मुझे मिला भी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह थोड़ा बहुत मेकअप आता है और करना पसंद है तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसे ही और वीडियोज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब। आई होप मेरा ये छोटा सा मेकअप किट आपको बहुत पसंद आया हो। लव यू गाइज, बाय।